अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एंटरटेनमेंट लवर हो या फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक लैपटॉप देख रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ASUS ने आपकी सुन ली है। ASUS का Vivo बुक है ये K15 OLED पैनल के साथ जो आता है, ये आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। और एक काम की बात बताता हूँ, मैं 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तबीयत खुश हो गई। तो सबसे पहले बॉक्स खोल लेते हैं नए स्टाइल से, ये खुल गया। तो सबसे पहले हमारे पास निकली एक पावर कॉर्ड जिसकी क्वालिटी काफ़ी सही है, और उसके बाद है चार्जर जो कि 65 वॉट का है और जिसकी जो कनेक्टिंग पिन है वो नोकिया के पतले पिन वाले चार्जर जैसी है। एक SSD की केसिंग है, मतलब इंटरनल हार्ड ड्राइव या फिर SATA की SSD आपको अंदर लगानी हो तो ये हेल्प करेगा। कुछ यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है, लास्ट में कुछ बड़े से इंटरेस्टिंग स्टिकर्स निकले जो कि मेरा तो मन फिसल गया भाई। लास्ट वाले येल्लो वाले देख के तो मुझे लगा यार ये मार लूँ इसमें से। लास्ट में लैपटॉप है, उसको ओपन कर लेते हैं। भाई लैपटॉप की फील ना मतलब गजब ही है। अगर आप फील देखो लैपटॉप की आगे की तरफ, यहाँ पे ASUS की Vivo बुक ब्रांडिंग की गई है। पीछे की तरफ से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे चार यहाँ पे रबर पैड्स हैं जो कि हमको ग्रिप बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। कुछ यहाँ पे वेंट्स हैं और ये वाले जो दो हैं वो स्पीकर ग्रिल्स हैं। बेसिकली लैपटॉप की वेट की बात करूँ तो कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं लग रहा है मुझे लैपटॉप का, अंडर 2 kgs है। थिन एंड लाइट लैपटॉप बोल के बेच रहे हैं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1.7 kgs का वेट है। बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन सब बाद में, सबसे पहले मेरी नज़र गई इस लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन जब मैंने इसकी पहली बार ओपन करी ना, मतलब फिदा हो गया। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतनी जबरदस्त लगी इसकी स्क्रीन। कलर्स इतने पंची, इतने ब्राइट, ब्लैक्स की देखो तो हद से ज्यादा डीप, और अगर गैमट की बात करो तो यहाँ पे sRGB से भी ज्यादा वाइड गैमट है। मतलब बहुत पंची कलर्स, बहुत ज्यादा रेंज ऑफ कलर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हमको बताता है कि अगर कोई कलर इंटेंसिव आप टास्क कर रहे हो, जैसे कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मूवी वगैरह देखनी है या फिर आप फोटोशॉप में कलरिंग कुछ कर रहे हो या फिर कुछ डिजाइनिंग कर रहे हो जिसमें कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ऐसे केस में ये बहुत जबरदस्त यहाँ पे स्क्रीन या फिर डिस्प्ले लगाई गई है। मैं लिटरली दिल से बता रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार इस स्क्रीन को देखा तो मुझे लगा क्या मैं ये MacBook Air M1 वाली स्क्रीन देख रहा हूँ। अगर आप इस स्क्रीन को नॉर्मल एक IPS LCD स्क्रीन के बाजू में रख के अगर आप इसको देख लोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप किसी भी और लैपटॉप की स्क्रीन को पसंद नहीं करोगे अगर आपका ये रिस्ट्रिक्टेड बजट है। यहाँ पे बता दूँ कि ये वाला जो मॉडल है मेरे पास ये i3 के साथ है, लेकिन बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना पर्टिकुलर ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर और अभी आता हूँ। मजे की बात यह है कि कोई भी बैकलाइट ब्लीडिंग यहाँ पे नहीं है, मैंने खूब अच्छे से प्रेस करके यहाँ पे टेस्ट आउट करा। अब बिल्ड क्वालिटी की तरफ देखो तो मेटालिक फिनिश है, टाइप यहाँ पे मेटालिक का आपको कोटिंग दी गई है, लेकिन मेटालिक है नहीं, हार्ड प्लास्टिक है अंदर बाहर सब जगह। अगर मैं फ्लेक्स की बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर भी मैंने जो थोड़ी सी प्रेसिंग यहाँ पे टेस्ट करके देखा, मुझे माइनर फ्लेक्सेस यहाँ पे देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टर्डी क्वालिटी यहाँ पे बनाई गई है जो इसकी चैसी है या फिर ये जो पूरी बॉडी होती है उसकी। काफ़ी सारे लोगों ने इसके बर्न इन इशू के बारे में पूछा था कि OLED स्क्रीन है तो ऐसे में बर्न इन का इफेक्ट आ सकता है या फिर इसके बारे में क्या कहना है। तो मैंने जिस लेवल पे अपने हिसाब से हर एंगल से रिसर्च करके देखी, बात ये निकल के आई कि अगर हमको स्टैटिक इमेज OLED के पैनल के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा घंटे या फिर दिन तक अगर छोड़ सकते हैं तब वहां पे बर्न इन का इफेक्ट आ सकता है, लेकिन अगर आप इसको कैजुअल यूज, इवन हैवी यूज के लिए डेली ले रहे हो, मतलब आप वीडियो का काम कर रहे हो या फिर आप कुछ एंटरटेनमेंट देख रहे हो, ऐसा नहीं हो कि एक पर्टिकुलर सेम स्क्रीन आप दसियों बीसियों घंटों के लिए आप स्टैटिक छोड़ दो, तब उस केस में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बर्न इन इशू आ सकता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके ले सकते हो। यार मैं बार बार बताना भूल जाता हूँ कि ये वाला लैपटॉप भी मुझे आगरा के सिमको कंप्यूटर्स ने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आपको मल्टीपल ब्रांड्स जैसे HP, Acer, Dell और Lenovo, सारे ही ब्रांड्स के सारे लैपटॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका दावा है कि ऑनलाइन से भी सस्ते प्राइसेस के अंदर आपको लैपटॉप दे देते हैं, तो अगर आप आगरा या फिर आसपास कहीं रहते हो तो इनका स्टोर विजिट कर लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दे रहा हूँ। और अगर आप कहीं बाहर रहते हो और लैपटॉप लेने का मूड डिसाइड कर रहे हो तो एक बार इनसे कोटेशन जरूर ले लेना, इनका दावा है कि भाई आपका फायदा करा के ही छोड़ेंगे। पहले कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं, तो जो कीबोर्ड है चिकलेट कीबोर्ड है, काफी बढ़िया कीबोर्ड है। एंटर के बटन के ऊपर एक ग्रीन लाइनिंग यहाँ पे दी हुई है, नमपैड भी आपको देखने को मिलता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है, काफी क्लिकी है और जो कीबोर्ड की आवाज है वो भी काफी सेटिस्फाइंग है।
डेफिनेटली जो कीबोर्ड है वो बैकलिट कीबोर्ड है, इसके अंदर 3 लेवल्स आपको लाइट्स के मिल जाते हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जितनी ज़्यादा लाइट रखोगे उतनी ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम होगी, ये तो पता ही होगा। इसके बाद अगर माउस पैड की तरफ देखो तो साइज़ जो है ना माउस पैड का वो थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता था, लेकिन ये वाला में भी कोई काम आपका रुकेगा नहीं, जो ब्राउजिंग है और क्लिकिंग काफ़ी एफिशिएंट है। साथ में मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ऊपर एक फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया हुआ है, तो सिंपली आप इस फिंगरप्रिंट को यूज़ करके आप सारे अनलॉकिंग कर सकते हो और फिंगरप्रिंट अनलॉक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब स्पीकर्स की बारी है तो स्पीकर्स को भी प्ले करके देख लेते हैं। ये वाले जो स्पीकर्स हैं इस लैपटॉप में ये ट्यून्ड बाय हरमन कार्डन हैं, तो काफ़ी बढ़िया स्पीकर्स हैं, लेकिन मैं शॉक हो गया था जब मैंने इसकी क्वालिटी साउंड क्वालिटी सुनी, तो पहले आप सुन लो फिर बात करता हूँ। इतनी बढ़िया क्वालिटी है ना स्पीकर्स की, लाउडनेस बहुत बढ़िया है। अगर आप एंटरटेनमेंट या फिर गेम या फिर इस तरीके का कोई भी आप काम करना चाहते हो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, मैं ये बता सकता हूँ। और बेस की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिसेंट अमाउंट है, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया निकाल के देती है। हाँ जी, तो ये है इसकी वीडियो क्वालिटी, आई होप आपको सही लग रही हो। 720p का कैमरा है और मैंने अभी तक जो लेनोवो के रिव्यू करे उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है, क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कलर्स अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके अंदर। साथ में ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो ऑडियो भी मैंने सुन के देखा पिछली एक रिकॉर्ड करके, इसकी फार बेटर है। जो भी माइक इसमें लगा हुआ है काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताओ नीचे आपको कैसी लग रही है, बेटर है या फिर नहीं। अब पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा एक माइक्रो एसडी कार्ड रीडर, एक ऑडियो माइक का कॉम्बो, एक यूएसबी टाइप सी, एक टाइप ए, एक एचडीएमआई और एक चार्जिंग का प्लग। लेफ्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा 2 टाइप ए के प्लग और एक नोटिफिकेशन लाइट। यूएसबी सी एक आध बढ़ा देते, नहीं है भाई जो है ये सीधी सी बात है यार, मैं बताना भूल जाता हूँ, मुझे याद दिला दिया करो। जब आप लैपटॉप खोलते हो तो साइड में यहाँ पे जो हिंज का डिज़ाइन डेवलप होता है ये काफ़ी बढ़िया लगा, और वॉबलिंग की बात करूँ तो स्लाइट वॉबलिंग है, कोई बहुत ज़्यादा वॉबलिंग नहीं है, तो हिंज की क्वालिटी भी डिसेंट है। अब अगर रैम रोम की बात करें तो ये वाला जो मॉडल है ये 8GB रैम और 256GB की SSD के साथ आता है। काफ़ी सारे अलग अलग मॉडल्स हैं, वो मॉडल्स को मैं और आगे बताता हूँ, लेकिन मैं पहले अपग्रेडेबिलिटी बता देता हूँ। तो जो मैक्सिमम रैम ये वाले सिस्टम सपोर्ट कर सकता है वो है 16GB, मतलब 8GB लग के आ रहा है। आप एक और चैनल के अंदर 8GB लगा लो, आपका सिस्टम मैक्सिमाइज हो जाएगा बढ़िया। इसके बाद रोम की बात करूँ तो 256GB SSD के साथ में आता है, साथ में एक हार्ड ड्राइव किट भी आती है, जिसका मतलब आप एक इंटरनल हार्ड ड्राइव लगा सकते हो या फिर आप एक SSD SATA वाली भी लगा सकते हो, जो कि 2TB तक यहाँ पे सपोर्ट कर जाएगी। एक्स्ट्रा M.2 का पोर्ट यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके पावर हाउस यानी सीपीयू के बारे में बात करते हैं, तो i3 का 11th जनरेशन 1115G4 प्रोसेसर यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, आयरिस वाले नहीं हैं, नॉर्मल वाले जो इंटीग्रेटेड इनके इंटेल के आते हैं वो लगे हुए हैं। इसका मतलब यह भी है कि K15 की OLED सीरीज के अंदर चाहे आप कोई सा भी प्रोसेसर ले लो, कितनी भी रैम ले लो, किसी भी मॉडल के अंदर एक डेडिकेटेड GPU देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला जो प्रोसेसर है ये मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अगर आप सोचो कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ सारा का सारा काम इसके ऊपर आप कर पाओगे तो वो ऐसा केस नहीं है। अब मैं थोड़े इसके मॉडल्स के बारे में भी बात कर लेता हूं, तो ये वाला जो मॉडल है ये i3 में है मेरे पास 8GB 256GB, ये वाला Amazon पे क्लोज टू 46,000 के आसपास में बिक रहा है। इसके बाद अगर दूसरे मॉडल के बारे में देखें तो i5 मिल रहा है, जिसके 16GB की रैम और 512GB की SSD यहां पे देखने को मिल रही है Iris Xe ग्राफिक्स के साथ। ये वाला जो मॉडल रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 68,000 का Amazon के ऊपर लिस्टेड है, और इसी तरीके से i7 और Ryzen 7 के 5700U के साथ में ये लैपटॉप मिल रहा है क्लोज टू 80,000 रुपीस। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर 80,000 रुपए खर्च करने हो ना तो उसमें तो डेडिकेटेड GPU भी मिल जाएगा, भले OLED नहीं मिलेगा, लेकिन अब वो डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी आ जाती है कि आपको कम काम लेके अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए या फिर ज्यादा काम लेके स्क्रीन की क्वालिटी हल्की चलेगी, भाई ये सिस्टम है। एक और चीज इसकी डिस्प्ले की खास बात यह है कि ये रेनलैंड के साथ में TUV सर्टिफाइड है, इसका मतलब आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इजी टू वॉच। एक और अच्छी बात यह है कि इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। इसके बाद आप में से कुछ लोगों ने GTA 5 और वीडियो एडिटिंग इन दोनों के टेस्ट मांगे थे, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। Come on,
तो यहाँ पे जब मैंने GTA 5 खेलने की कोशिश करी तो गेम तो बिल्कुल सही चल रहा था, प्लेएबल था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो टेक्सचर्स थे वो उड़े हुए थे, ऑब्वियसली वेरी लो सेटिंग्स के ऊपर पूरा का पूरा गेम रन कर रहा था। तो इससे बेसिकली ये पता चलता है कि गेम्स तो इसमें रन कर जाएंगे, थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ खेलना हो आपको तो काम चल जाएगा, लेकिन डेडिकेटेडली गेमिंग के लिए ये लैपटॉप मत लेना। इसके बाद मैंने प्रीमियर प्रो 2021 के ऊपर एक वीडियो एडिटिंग करके देखी, ये मेरी ही वीडियो है, चाहो तो जाके देख लेना, ऊपर आई कार्ड में डाल दे रहा हूँ। कुछ 4 से 5 लेयर्स मैंने यहाँ पे सजाई, कुछ इफेक्ट्स लगाए, कुछ साउंड ट्रैक्स लगाए, कुछ ट्रांजिशंस लगाई, सब चीज कुछ 5.5-6 मिनट का वीडियो था ये, और इसको जब मैंने एक्सपोर्ट पे लगाया 1080p पे तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 मिनट के अंदर रेंडर हो गई। तो बेसिकली थोड़ी बहुत कैजुअल एडिटिंग हो तो वो आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोचोगे 4K और बहुत सारी चीज़ें लगा के बहुत लंबी फुटेज आप एडिट कर पाओगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बैटरी लाइफ की बात करूं तो मुझे क्लोज टू 3.5 घंटे का बैकअप ही मिला, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं मिला, जबकि ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी बैटरी है, और जो चार्जर है वो भी 65 वॉट का ही है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड GPU है नहीं। तो बैटरी अगर चार्ज करने लगते हैं तो क्लोज टू 5% से 100% होने में 1.5 घंटा लग गया था, और बाकी सब चीज़ें सॉर्टेड हैं। मतलब जो टारगेट ऑडियंस है ना इस लैपटॉप के लिए, जो ASUS ने टारगेट की है, वो है स्टूडेंट्स या फिर वर्क फ्रॉम होम वाले बंदे, या फिर वो लोग जिनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चाहिए थोड़े से एक बजट सेगमेंट के अंदर। अगर आप डिस्प्ले के शौकीन हो कि कलर्स बहुत अच्छे दिखें, मेरा मूवीज़ अगर मैं देखूं तो वो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस कर पाऊं, तो ये लैपटॉप तो आपके लिए बना है। अगर आप गेमिंग वाले साइड के बंदे हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो ये कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, लैपटॉप पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नीचे कमेंट करके बताना आगे कौन कौन से लैपटॉप्स आप चाहोगे जो मैं कवर करके आपको सारी की सारी डिटेल्स बता दूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सकारात्मक, सी या।